डॉक्टर सुरेखा भार्गव हूँ। डॉक्टर हूँ क्योंकि अकाउंटिंग में पीएचडी करी है, अदरवाइज एक सिंपल सी हाउसवाइफ थी। और ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और इन सब के बीच जो मेरी पर्सनल, कहते हैं ना, अपनी ओन आइडेंटिटी खोने लगी थी, मैं कुछ अपने नाम का कमाना चाहती थी। और ऐसे में मोदी केयर बिजनेस में आई। शुरू में तो ना मुझे समझ में आया ना मेरे लोगों को समझ में आया, बट इतना समझ में आ गया था कि भैया कोई तो है, जो कुछ लोग तो है जो सफल हो रहे हैं, और जब ये लाखों लोग कर सकते हैं तो भैया अगर मैं भी समझ लूंगी मैं भी कर दूंगी, यही सोच के पेशेंसली करती चली गई। तो दोस्तों आज की तारीख में लगभग 75 लाख रुपए महीने की मेरी इस बिजनेस से फैमिली इनकम है। हर तरह की सफलता है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़ा सा घर है, हर साल की 2-2, 3-3 विदेश यात्राएं हैं। और खुशी की बात यह है कि जो कुछ मैं मेरे लिए क्रिएट कर पाई वो ही चीज लाखों लोगों को सिखा पाई हूँ। और वो लोग भी जब सफल होते हैं तो हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। कहते हैं ना, मूल से सूद प्यारा होता है, वो इस बिजनेस में हो जाता है। आपका फोकस आपकी गाड़ी पर होता है, आपको अपनी गाड़ियां आने लगती हैं, अच्छा लगता है, पर जब आपके डाउनलाइन जिनको आप इस बिजनेस में लाए होते हो वो गाड़ियां खरीदने लगते हैं, वो ज्यादा खुशी देता है। जब वो घर बनाने लगते हैं तो वो ज्यादा खुशी देता है। जब उनके बैंक बैलेंस बनने लगते हैं, बड़े बड़े चेक आने लगते हैं, तो वो ज्यादा खुशी देता है। और संडे ये मेरा दिन है, संडे मुझे खुशी पाने का, मेरे लिए अपनी खुशी पाने का दिन है, क्योंकि संडे को हम किसी न किसी एक ऐसे लीडर को बुलाते हैं इन सेशंस को करने के लिए जिन्होंने इस बिजनेस को किया है, करके देखा है, सफलता पाई है, अपने पेरेंट्स का भी नाम रोशन किया है, हमारा भी नाम रोशन किया, और बहुतों की, लाखों की जिंदगी में एक सकारात्मक परिवर्तन ला रहे हैं। दोस्तों आज के इस सेशन को, इसकी शान बढ़ाने के लिए आ रहे हैं हमारे अमृतसर से ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर, स्मैक अचीवर, लाफिंग बुद्धा के नाम से जाने जाते हैं, और हस्बैंड वाइफ दोनों एक तरफ आईटी प्रोफेशनल है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। बहुत अच्छी पहले भी लाइफ थी, बट बस नेटवर्क मार्केटिंग का, कहते हैं ना कि जादू जिस पे चल जाता है फिर वो हमेशा के लिए नेटवर्क मार्केटिंग का हो जाता है, ये इनके साथ हुआ। क्या है इनकी सफलता, कैसे पाई इन्होंने सफलता, ये वो आपको बताएंगे। मैं सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ, ये लोग मेरे सर के ताज में एक बहुत बड़ा कोहिनूर हीरा है। इनका व्यक्तित्व, इनका कैरेक्टर, इनकी इनकी सोच, इनकी बिग थिंकिंग, इनका सेल्फलेस एटीट्यूड और इनकी लाइफ में और बिजनेस के प्रति जो अप्रोच है वो इन्हें सब, मतलब सबके लिए, इसीलिए वो ये चहेते बनते चले गए हैं। मैं बात कर रही हूँ हमारे मुनीश चोपड़ा जी और पूजा चोपड़ा जी की। आइए दोनों का जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं और दिल खोल करके इनको सुनने और सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच मैम, आपने हमें ये मान बख्शा, ये इज्जत बख्शी, आज आपकी बहुत बड़ी मीटिंग के अंदर हमें आज बोलने का मौका दिया आपने। थैंक यू सो मच मैम, और थैंक यू सो मच निशान जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम, थैंक यू निशान, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लग रहा है तुम दोनों को। काला टीका लगा लो, बस भगवान नजर से बचाए। और तुम लोगों ने जो भी सफलता पाई है ना, वो तो अभी तो कहते हैं कि बस बस, कहते हैं ना, खुशबू ही ली है। जो तुम लोग हो, तुमने अरबों कमाना है, खरबों कमाना है, तुम्हारे सारे सपने पूरे हो जाने हैं। आज दिल से सिखा दो लोगों को कि तुम क्या करते हो, तुम्हारे आगे क्या इरादे हैं। जो आज बोलोगे वो सच हो जाएगा, और जिसने तुम्हें आज दिल से सुन लिया और तुम्हारी बात को अपना लिया वो भी सफल हो जाएगा, मुझे गारंटेड पता है। ओवर टू यू मुनीश एंड पूजा। दोस्तों बोलते हैं, हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर जीत आपकी होगी मेरे दोस्त, अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों के सामने रखो। मेरा नाम मनीष चोपड़ा, बाय प्रोफेशन मैं सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट हूँ, और मैं कुछ बोलूं दोस्तों, उससे पहले लेडीज फर्स्ट, सो प्लीज हेल्प यू वेलकम माई जीबीडी वाइफ पूजा चोपड़ा जी। थैंक यू मनीष। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और थैंक यू मैम, आपने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी इतने लोगों के बीच आने की, थैंक यू सो मच। और जो भी सीखा है आपसे ही सीखा है, आपके सामने बोलना तो मुश्किल हो जाता है, फिर भी ट्राई करेंगे। मेरा नाम पूजा चोपड़ा है, मैं सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल हूँ। आज से 6 साल पहले इस बिजनेस में इंट्रोड्यूस हुए थे और जिंदगी बदल गई, 360 डिग्री पे चेंज आ गया। अपने बारे में बताऊं तो जब शादी से पहले लो मिडिल क्लास फैमिली में थी, पापा की डेथ हो गई थी जब मैं 5 साल की थी, और मेरे मदर पापा की जगह पे, उनको जॉब मिली, मेरे पापा डॉक्टर थे। कि आपने मेहनत करनी है, मेरे मम्मी बहुत ही मेहनती लेडी रहे हैं, उन्होंने मुझे यही कहा था कि बेटा मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे, ये किस्मत भाग्य उन्हीं का बदलता है, तकदीर उन्हीं की चमकती है जो मेहनत। और शुरू
जिंदगी में सफल हुए, जब शादी हुई तो लो मिडिल क्लास से फिर लो मिडिल क्लास में ही आ गए, मगर बढ़िया ये हुआ कि हस्बैंड ड्रीमर थे और बड़ा सोचते थे, जिंदगी में आगे जाना चाहते थे। हम दोनों सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल थे, जॉब कर रहे थे अच्छी कंपनीज में हम लोग, मगर जिंदगी जी रहे थे, जी नहीं रहे थे, काट रहे थे, कुछ चाहते थे कुछ। मुझे बड़ी गाड़ियां अच्छी लगती थी, मुझे बड़े घर अच्छे लगते थे, मैं चाहती थी मेरे बच्चे अच्छे स्कूलों में जाएं, मेरा बैंक बैलेंस अच्छा हो, लाइफ बढ़िया तरीके से जीना चाहती थी, मगर ऐसा कोई विकल्प नहीं मिल रहा था। तो अब जब भी हम गुरुद्वारा साहब जाते थे तो भगवान के सामने ना माथा टेकती थी और हमेशा यही प्रे करती थी, परमात्मा कोई ऐसा रास्ता दिखा दे, कोई ऐसा ऐसा रास्ता, कोई ऐसा विकल्प जिसपे चल के हम कामयाब हो जाए। मेहनत करना चाहते थे, मेहनत करना जानते थे, मगर हमारे पास कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था कि जिसपे चल के हम सफल हो पाए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा नहीं था और जॉब में तो चल ही रहा था। 6 साल पहले भगवान का भेजा हुआ दूत हमारी जिंदगी में आया, उन्होंने इस बिजनेस में हमें इंट्रोड्यूस कराया। जब इस बिजनेस में लाए तो हमें सुरेखा मैम से मिलने का मौका मिला। सुरेखा मैम हमारी जिंदगी में एक फरिश्ते के रूप में आए, आज जो भी हम हैं मैम की बदौलत है। मैम ने हमें सिखाया कि हमारा पोटेंशियल क्या है, हमें जाना कहाँ है, हम क्या कर सकते हैं, जो भी हम अपने आप को खोज पाए हैं वो सब मैम की बदौलत ही है। मैम ने हमें सपनों में बिलीव करना सिखाया, हमें बताया कि जो भी तुम चाहते हो उसे ड्रीम करो, ड्रीम लो, और हमने अपने ड्रीम्स लिखने शुरू कर दिए कि इस बिजनेस में हमें चाहिए क्या। हमने लिख दिया हमें कार चाहिए, हमने लिख दिया हमें बड़ी कार चाहिए, हमने लिख दिया हमें घर चाहिए, हमें बड़ा घर चाहिए, हमें बैंक में बहुत सारा पैसा चाहिए, हमें बच्चों के अच्छे अच्छे स्कूल चाहिए, हमने ये सारी चीजें लिख दी। जब हमने लिख दी, मैम ने बोला अपने घर में अपने बेडरूम में अपने सामने रख लो। हमने वो ड्रीम अपने सामने रख लिए, हमने लिख के लगा दिए। जब हमने लिख के लगा दिए, मैम की बातें काम कर गई, हमारा माइंड एक्शन करने के लिए तैयार हो गया कि हमने ये लिख दिया है, हमने कमिटमेंट कर दी है, हमें ये करना पड़ेगा। हमें करेज आ गया, जब करेज आ गया तो क्रिएटिविटी आ गई, हमारा माइंड तैयार हो गया है इस बिजनेस को करने के लिए। जब क्रिएटिविटी आ गई तो हम कैपेबल हो गए, हम लोगों से बात करने में कैपेबल हो गए, हमें कॉन्फिडेंस आ गया, हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, मोदी केयर बिजनेस में हम भी जीबीडी जा सकते हैं। हमने काम किया, मुझे डर लगता था लोगों से बात करने में, मगर कमिटमेंट कर ली थी। मुझे डर लगता था, अभी भी बैठी हूं तो थोड़ा डर है, मगर कमिटमेंट कर ली कि हमने करना है ये बिजनेस में, हर वो काम हम करेंगे जो हमें हमारी सक्सेस की तरफ ले जाएगा। क्योंकि काम ना करने के अगर हम बहाने ढूंढ सकते हैं तो काम करने का कोई बहाना भी तो मिल सकता है। मुझे बहाना मिल गया था, मेरे बच्चे, मैं अपने हस्बैंड को खुश देखना चाहती थी, मैं अपने बच्चों के चेहरे पे मुस्कुराहट चाहती थी, मैं हर वो चीज चाहती थी जिससे मेरी फैमिली आगे बढ़ सके। मैंने लिख के लगा दिया कि मैं अपनी लाइफ में, मैं अपनी फैमिली में क्या कंट्रीब्यूट कर रही हूँ। मैंने हर वो काम किया जो एक स्पाउस को करना चाहिए था बिजनेस में। मैंने प्लान सीखा, मैंने डेमो सीखा, मैंने रिलेशनशिप बिल्डिंग पे काम किया, क्योंकि मुनीश ने मुझे बताया ये बिजनेस लॉजिकल है मगर लोग इमोशनल हैं, हमें रिलेशनशिप बिल्ड करना पड़ेगा। हरलीन, तुम्हें उनकी फैमिलीज के साथ रिलेशन बनाना पड़ेगा। मैंने वो हर काम किया जो ये बिजनेस चाहता था। मैंने बात करनी शुरू की, पहले जब ये बिजनेस में मैं नहीं आई थी, मैं सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल थी, कंप्यूटर पे बैठना, कंप्यूटर पे काम करना मेरी डेली लाइफ थी, मगर पीपल डीलिंग में मैं नहीं थी, मुझे लोगों से डर लगता था। आई वाज सो इंट्रोवर्ट, मैंने डर पे जीत हासिल की। मुझे मैम ने बताया जो तुम्हारा डर है उससे जीत हासिल करनी होगी, अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो डर की जगह नहीं होनी चाहिए। तो लोगों से बात करनी शुरू की, प्रोस्पेक्टिंग करनी शुरू की। कहते हैं ना, जिसकी जितनी ज्यादा जनता उसका उतना ही बड़ा नाम होता है, तो वैसे ही हमने नंबर गेम में बिलीव किया, लोगों से बात करनी शुरू की, स्कूल जाना, बच्चों के पेरेंट्स के साथ बात करनी, टीचर्स के साथ बात करनी। 3 फुट के घेरे वाला प्रिंसिपल मैम ने बताया था कि आपके पास जब 3 फुट के घेरे में कोई आ जाता है तो उससे बात करनी है।
हर हमारी दिन भी मोदी केयर से होता था, हमारी रात भी मोदी केयर से ही होती थी। हम दिन रात मोदी केयर की बात करते थे, हमारा दिमाग सिर्फ उसी डायरेक्शन में चलता था। जब हमने 6 साल पहले इस बिजनेस को ज्वाइन किया था तो हम एक ही सॉन्ग सुनते थे, वो सॉन्ग था हुन देर नहीं दिना छे रब छेती कराओ बल्ले बल्ले। अब दिनों में देर नहीं है, हम सक्सेसफुल हो जाएंगे, हमारी जिंदगी बदल जाएगी। हमने अपने माइंड को सिग्नल दिया, हम आगे बढ़ने वाले हैं, जिंदगी में सक्सेसफुल होने वाले हैं, और वैसा ही होता गया। हमने अपने मन से जीत हासिल की। कहते हैं ना, रन भूमि से जीतने से पहले मन भूमि से जीतना होता है। हमने पहले अपने आप से जीत हासिल की कि मेरे माइंड में क्या सिग्नल चल रहा है, मैं क्या सोच, नेगेटिविटी थी तो हमने उसे उन डाउट्स को क्लियर किया। कहते हैं ना, 0.1% डाउट इज इक्वल टू 100% फेलियर। तो हम फेलियर नहीं होना चाहते थे, हम प्रूव करना चाहते थे। हम जिंदगी के उस पड़ाव में थे, हम जिंदगी के उस एज में थे जब हमारे बच्चे बड़े हो रहे थे, हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे। हमारे बच्चे हमारे मुंह की तरफ देखते थे कि पेरेंट्स हमारे लिए क्या करेंगे। मैं अपनी बेटी को अच्छा कॉलेज चाहती थी, मैं उसके लिए अच्छी कार चाहती थी, अपने बेटे के लिए सब कुछ बढ़िया चाहती थी। तो बहानों से हमने पीछा छुड़ा लिया। कहते ना, बहाने या पैसे दो चीजों में से एक ही चीज बनेगी। तो हमने पैसे बनाने वाला ऑप्शन जो था मोदी केयर, उस पर ध्यान लगाना शुरू कर दिया। हमने सेंटर में मोदी केयर को रखा और अपनी बाकी प्रायोरिटीज को उसके इर्द गिर्द घुमाया। हमारा कोई बर्थडे कोई एनिवर्सरी हम सेलिब्रेट नहीं करते थे पहले इयर्स में जब हमने मोदी केयर को स्टार्ट किया था, मगर अब हम उसको बहुत बढ़िया तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। क्योंकि कहते ना, डिलेड ग्रेटिफिकेशन, की हमें थोड़ी देर रुक जाए चाहे, मगर बढ़िया तरीके से करे और जिंदगी में वो सब चीजें जो एक कॉमन मैन चाहता है, जो हमारे सपने थे वो सारे पूरे हो गए। अब तो सपनों से भी बड़ी उड़ान हो गई है। हमने जो चीजें सोची भी नहीं थी जब इस बिजनेस में आए थे, हमने जैगुआर कार सोची नहीं थी क्योंकि हमारे किसी रिश्तेदार के पास भी ये कार नहीं थी, ऐसा घर नहीं सोचा था। मगर जब मोदी केयर में आए तो हमें ये चीज समझ आ गई, छोटा मोदी केयर में आके छोटा सोचना भी पाप है। हमने बड़ा सोचा, बड़ा लिखा, और वो हर चीज प्राप्त की जो एक कमिटमेंट से हम कर सकते थे। जब हमने काम शुरू किया, हमें पहला चेक आया, पहला चेक छोटा था, हमारी होप बढ़ गई, पैसा आता है, ये बिजनेस काम करेगा, ये बिजनेस हमारे लिए बना, हम तो यही चाहते थे, हमें मिल गया। हम दोनों ने इरादा बना लिया, अब हम इसमें काम करेंगे। हम पार्ट टाइम से फुल टाइम में आ गए और हर वो चीज जो हम चाहते थे वो हमें मिलनी शुरू हो गई। अब तो हमें लग रहा है कि फ्यूचर इज सो ब्राइट, हम बहुत एक्साइटेड हैं। हम कहाँ पे हैं, हम कहाँ जाने वाले हैं, हर चीज हम क्रिएटर हैं हमारी डेस्टिनी के। क्योंकि हमें पता है मोदी केयर में अगर हम 5,000 सोचते हैं तो 5,000 कमा सकते हैं। हमारे अपलाइन 75 लाख महीने का कमाते हैं, हम वहां तक तो पहुंच ही सकते हैं। हमने गोल डिसाइड कर लिया। और जब हम अब कोरोना आ गया तो कई लोग अभी भी फील कर रहे होंगे कि कोरोना है, हम घर से नहीं निकल पाते। पहले क्योंकि हम फिजिकली काम करते थे, जाके डेमो करते थे, मगर हम सोशली आ गए, फिजिकली नहीं रहे तो डिजिटली आ गए। और डिजिटली भी बिजनेस बहुत अच्छे तरह से वो कर रहा है, बूम कर रहा है और बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है। डिजिटली काम और इजी हो गया। बहुत सारे लोग, क्योंकि अभी रिसेशन चल रहा है, जॉब्स रिस्क पे हैं और बहुत सारे लोग अपॉर्चुनिटीज को ढूंढ रहे हैं, उनको इस बिजनेस में लाने से पहले हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हमने करना है। हमारे थ्रू बहुत सारे लोगों की जिंदगी चेंज हो सकती है। अगर आपको पैसा नहीं चाहिए तो बहुत सारे लोगों को पैसा चाहिए, उनके लिए करिए। अगर हम दोनों इस बिजनेस में नहीं आए होते, हमारे ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं, अगर हमने 4 कारें ली, 100 लोगों ने कारें ले ली, भगवान ने हमें एक जरिया बना के भेज दिया उन लोगों के लिए, आप भी उनके लिए जरिया बन सकते हो। ये बिजनेस लोगों के घर दीपक जलाने का काम करता है। आप अपनी तो रोटी कमाते हो, आप बहुत सारे लोगों के लिए भी मिसाल बन जाते हो। इस बिजनेस में करना क्या है, प्लान दिखाना है, डेमो करना है, लोगों से बात करनी है और होम मीटिंग्स करनी है। अभी ये सब कुछ डिजिटली हो गया है, हमें अपने प्रोडक्ट्स यूज करने हैं। हमें एक चीज पता चल चुकी थी कि हर साल निकल जाता है, बैंक बैलेंस बढ़ता नहीं है। अगर हमारे बदलने से बैंक बैलेंस बढ़ जाता है तो बदलाव में हर्जी क्या है, एक छोटा बदलाव बड़ी सक्सेस
का जन्मदाता होता है, तो हमने हर वो छोटा बदलाव किया, हमने जब ड्रीम किया, जब ड्रीम लिखने शुरू किए तो हमने अपनी रूटीन सेट की, हमने एफर्ट्स उस डायरेक्शन में लगाए, हम अकाउंटेबल रहे, हमने अपना माइंडसेट वैसा बना लिया कि हम सक्सेस की तरफ जा रहे हैं, हम ये पा रहे हैं, हमें मिल जाएगा, और ये टाइटल मिल गया, अच्छा चेक हो गया, अच्छा घर हो गया। अब हमारी दौड़ उन लोगों के लिए है जो लोग हमारे साथ आए हैं। हम ये होप के बिजनेस में, ये चीजें मैंने आपको इसलिए बताई, मैं आप में वो होप ट्रांसफर करने की कोशिश कर रही थी, जो हमें मिला है वो आपको भी मिल जाएगा। अपने आप पे बिलीव रखिए, मोदी केयर पे विश्वास रखिए, हर वो चीज जो आप चाहोगे, हर वो ड्रीम जो आप लोगे, वो सब आपको मिल सकता है। सिर्फ आपको तैयार रहना होगा। जिस दिन आप तैयार हो जाओगे, आपकी अपलाइंस आपके साथ आ जाएंगी, ये सिस्टम आपके साथ आ जाएगा, सारी कायनात आपके साथ लग जाएगी आपकी सक्सेस के लिए। सिर्फ तैयारी आपको करनी है, आपको क्लियर करना है आपको इस बिजनेस को करना क्यों है। मैंने अपने बच्चों के लिए किया, मुझे अपनी फैमिली लाइफ अच्छी चाहिए थी इसलिए किया, और आप भी इस बिजनेस को कोई रीजन ढूंढिए और करिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू पूजा। सो दोस्तों, मेरा नाम मनीष चोपड़ा, बाय प्रोफेशन मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, और बचपन में पापा की डेथ हो गई थी, टेररिस्ट अटैक हुआ था, तो दिन बड़े टफ थे। मैं चैरिटेबल स्कूल में पढ़ा, वहां चैरिटी देने लोग आते थे, और फिर मेरी 10th तक मैं वहीं पढ़ा पंचकुला के अंदर, फिर प्लस 1-2 चैरिटेबल स्कूल में हुई, फिर एडमिशन मेरी इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर होगी, लेकिन टेंशन थी पैसे की, फीस कैसे जाएगी। और दोस्तों, लेकिन फिर किसी ट्रस्ट ने, कोई चैरिटेबल ट्रस्ट थी, उन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया, तो मेरी सारी इंजीनियरिंग की फीस उन्होंने दे दी। तो मतलब मेरी सारी एजुकेशन मेरी पापा की डेथ के बाद दोस्तों स्पॉन्सर्ड ही थी, चैरिटी पे हुई। लेकिन ड्रीम था यार, जिंदगी में कुछ ऐसा काम करके जाना है कि दुनिया में रहे ना रहे, बच्चों को कभी किसी का कैसे हाथ ना करना पड़े, राइट। तो इसलिए कुछ बड़ा ढूंढ रहे थे, तो जैसे मैंने इंजीनियरिंग करके पास आउट की मैंने, तो सपने बड़े बड़े थे, सोच रहे थे बाहर जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। लेकिन 2001 में मार्केट में रिसेशन आ गया, मुझे टीचिंग की जॉब करनी पड़ी, लेक्चरर की, साथ में मैंने इंस्टीट्यूट खोल लिया अपना, लेकिन 30-35 हजार रुपए बनना शुरू हो गया 2002 के अंदर। लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं यार, मजा नहीं आ रहा, कुछ और बढ़िया करते हैं। तो मेरी शादी भी हो चुकी थी पूजा के साथ, तो इन्होंने कंसीव भी कर लिया था बेबी, लेकिन बाहर जाने के चक्कर में बाहर का वीजा रिजेक्ट हो गया, जॉब भी चली गई, और जो मेरा इंस्टीट्यूट था वो भी बंद हो गया। लो जी, मैं बेरोजगार हो गया, घर पे बैठ गया, टेंशन होगी, स्ट्रेस ज्यादा बढ़ना शुरू हो गया, भी यार क्या करें, लोगों ने बातें करनी शुरू कर दी। फिर दोस्तों मैंने सोचा नहीं यार, कोई बात नहीं, अगर जिंदगी में एक बार गिर गए हैं तो दोबारा उठते हैं। दोबारा उठे और दोस्तों चंडीगढ़ जाकर जॉब की, 6-7 हजार रुपए की जॉब लग गई मेरी, 2003 की बात है। लेकिन फिर 3-4 महीने जॉब की, मैंने कहा यार इससे तो कुछ होता नहीं, दोबारा और बढ़िया अपॉर्चुनिटी की तलाश करते हैं। मैंने चेन्नई की किसी कंपनी में जॉब की, वहां 25,000 रुपया सैलरी लगी, वहां जाके रहा, वहां मुझे, और कहा हम शाही पनीर और चिकन खाने वाले लोग, वो जाके फिर मुझे वो इडली डोसा खाना पड़ता था रोज ही, बड़ी दिक्कत होती थी चीज में। तो मैं वहां से छोड़कर फिर आ गया 19 दिन बाद नोएडा में जॉब की मैंने, वहां की कंपनी थी इन्फोगेन, वहां पर फिर सिस्टम सेट हो गया, नॉर्थ इंडियन फूड मिलता था, थोड़ा मैं फूडी हूँ, तो बस सिस्टम चलना शुरू हो गया। वहां पर 1 साल बढ़िया चली जॉब वहां पर, तो मैंने सोचा नहीं यार कुछ और बढ़िया करते, अब चंडीगढ़ में चलते हैं, वहां पर घर भी पास है अमृतसर, तो वीकेंड पे घर हुआ करेंगे। अगेन आई मूव टू चंडीगढ़, वहां पर जॉब की 2-3 महीने जॉब की, वहां पर रिसेशन आ गया, और फिर आई मूव बैक टू नोएडा, उसी कंपनी में जॉब की फिर। तो बड़ी जॉब चेंज होती जा रही थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं जॉब के लिए नहीं बना, जॉब मेरे लिए नहीं बनी। तो एनीवे दोस्तों, करते करते वहां पर एक दिन मेरा इंटरव्यू हुआ, वहां ना हमारा मंथली एक लेटर पब्लिश होता था, इंटरव्यू लेते थे, तो क्वेश्चन आंसर पूछते थे, तो मेरे से पूछा उन्होंने व्हाट यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ, तो वो लेटर अभी भी मेरे पास पड़ा है। मैंने वहां पर लिखा था आंसर, आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम ए सेलिब्रिटी बट अनफॉर्चुनेटली बिकम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो भगवान की कृपा होती है दोस्तों, एग्जैक्टली 1 हफ्ते बाद मुझे कॉल आती है, जिंदगी में कुछ बढ़िया करना चाहते हो, मैं तो पहले ओपन माइंडेड था, मैं हाँ हाँ करना चाहते हैं, बताओ क्या है, बोलते कि सेमिनार है, आ जाओ। मैं चला गया दोस्तों, वहां पर देखा कोई अंग्रेजों की कंपनी का सेमिनार हो रहा था, जिसका नाम ए से शुरू होता वाई से खत्म होता, तो वहां पर बड़े एक इंजीनियर ही थे जो प्रेजेंटेशन दे रहे थे, बोल रहे आपको घर मिल जाएंगे, बड़े बड़े गाड़ियां मिल जाएंगी, ये हो जाएगा, विदेशों की सारे बढ़िया बैंक में, और मैंने कहा यार यही तो चीज थी जो इतने सालों से ढूंढ रहे थे। मैंने दोस्तों डिसीजन ले लिया भी करेंगे,
तो मेरे जो सीनियर थे पहली कंपनी के, वो आए घर पे, आए वाइफ को भी कन्विंस किया करके जी मैंने काम शुरू कर दिया। तो थोड़े दिनों बाद ही 3-4 महीने मैंने काम किया, मैंने कहा नहीं यार चंडीगढ़ चलते दोबारा, वहां पर बढ़िया तरीके से करेंगे। मैं फिर चंडीगढ़ आ गया तो जॉब के साथ साथ मैं करता रहा। जैसे मैं आया मुझे कंपनी ने कनाडा भेज दिया। तो कनाडा दोस्तों मैं कुछ ऐसे लोगों से मिला जिनके पास जेट प्लेन थे इस इंडस्ट्री से, मैं हैरान हो गया। मैंने यार इतनी बड़ी इंडस्ट्री है ये नेटवर्क इंडस्ट्री। फिर दोस्तों मैंने माइंड मेकअप किया यार इसको सीरियसली करेंगे। मैं वापस आया जब इंडिया काम करना शुरू किया, फिर उसमें लेवल हिट करते गए, सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम फाउंडर प्लेटिनम फॉरेन ट्रिप भी लिए मैंने। तो फिर मैंने उसको फुल टाइम कर दिया दोस्तों। फिर लाइफ में मैंने जॉब छोड़ दी, लास्ट जॉब मेरी इंफोसिस के अंदर थी। तो लाइफ में कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए दोस्तों, वो बिजनेस भी नीचे आ गया। तो दोस्तों किराया देने के लिए पैसे नहीं थे। कहां मेरी लास्ट जॉब थी जब इंफोसिस की जो मैंने छोड़ी थी, मैं वहां पर सीनियर कंसल्टेंट था इंफोसिस के अंदर। तो दोस्तों लास्ट सैलरी मेरी जो टेक होम थी विद इंसेंटिव तकरीबन 75,000 के करीब थी इन 2009। तो मैंने कहा यार गड़बड़ होगी कुछ लाइफ के अंदर। तो घर का किराया तो दूर, बच्चों बिटिया की फीस भी देने के लिए पैसे नहीं होते थे कई बार। इतना क्राइसिस आ गया लाइफ के अंदर, एक बार तो सोचा यार लाइफ खत्म कर ले। लेकिन मेरा दोस्त था उसने बोला एक होता मेढक एक होता कछुआ, जब कछुए को स्टिक मारते हैं ना वो गर्दन ऐसे अंदर कर लेना स्टिक खाई जाता है, लेकिन जब मेढक को मारते ना स्टिक वो जंप करता है। तो मेरे दोस्त ने बात बहुत बढ़िया समझाई, बोलता है व्हेनेवर यू गेट सेट बैक डू नॉट सिट बैक स्टेप बैक एंड बाउंस बैक। तो दोस्तों मैंने वही डिसीजन लिया नहीं मैं जिंदगी में दोबारा बाउंस बैक करूंगा। और दोस्तों फिर मैंने सीसीटीवी कैमरे बेचने शुरू किए, सॉफ्टवेयर की कंसल्टेंसी शुरू कर दी, मार्केटिंग शुरू कर दी, क्योंकि बेसिक्स तो सेम ही थे। लिस्ट बनानी होती थी, कॉल करनी होती थी, अपॉइंटमेंट सेट करनी होती थी, शो का प्लान करना होता था। पहले प्रोडक्टों का प्लान करता था, अब कैमरों का प्लान करता था। तो करते करते जी हमने काफी कैमरे कुमरे लगाए अमृतसर के अंदर, सॉफ्टवेयर बनाए, वेबसाइट्स बनाई, तो रोटी पानी सेट हो गया अपना। तो फिर मैंने कहा नहीं यार फिर काम करते हैं। फिर मैंने पहली कंपनी में काम करना शुरू किया, लेकिन फिर वही दिक्कतें आती थी। हर महीने जीरो आता था बिजनेस वॉल्यूम, हर महीने जीरो आता था। मैंने कहा 30 को मंत्री 1 को संतरी, 30 को मंत्री 1 को संतरी। तो मैंने कहा यार छोड़ो स्यापा यार, ये नेटवर्किंग करनी नहीं है, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। मैं गुरुद्वारे गया और वहां पर रेजोल्यूशन किया भी आज के बाद ना तो कभी उस कंपनी के ऑफिस में जाऊंगा, ना अपलाइन को मिलूंगा, ना प्रोडक्ट यूज करूंगा। कांटा लगा दिया मैंने, क्रॉस लगा दिया, लेकिन भगवान को कुछ और मंजूर था। लो जी मैं वहां पर कमिटमेंट करके आया, एग्जैक्टली एक हफ्ते बाद मेरे दोस्त आ गए, एक बोलते जी चाय पीनी है। तो मैंने कहा यार नेटवर्कर मेरी है भी क्रॉस है, मेरे चाय पीने के लिए बोल रहा तो कोई गड़बड़ हो गई पक्का। तो मैंने कहा चलो यार आ जा यार कोई बात नहीं। वो जब घर आया उसने डेमो किया, मैं हैरान रह गया। मैंने कहा यार इतनी बढ़िया क्वालिटी के प्रोडक्ट है। तो फिर मैं तो पूरा एक्साइटेड हो गया था। तो वाइफ ने थोड़ा सा आंख दिखाई भी, पहले घर का कुछ नहीं छोड़ा, पहले सब कुछ बिक गया था, तो अब नहीं करना कुछ भी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं थोड़ा न्यूट्रल हो गया फिर। तो फिर भी हाँ एनीवे हमने आईडी लगा ली, प्रोडक्ट वगैरह यूज करने शुरू कर दिए। लेकिन जब प्रोडक्ट यूज किए बड़े रिजल्ट बड़े अच्छे आए, कुछ दोस्तों को दिए रिजल्ट अच्छे आए, तो क्वालिटी बहुत बढ़िया थी, लेकिन रेट बहुत कम था, मतलब गुड क्वालिटी और अफोर्डेबल प्राइस। तो ये चीज मुझे बड़ी क्लिक की। तो फिर प्लान भी बहुत अच्छा था। करते करते जी लो जी हम थोड़ा थोड़ा करते गए, शाम को फ्री होते थे अपने सॉफ्टवेयर के काम के बाद तो 1-1.5 घंटा लगाते थे। करते करते जी मेरा थाईलैंड का ट्रिप क्वालिफाई हो गया, वाइफ ने गोल्ड जीत लिया वहां मोदीकेयर से, और मुझे लगा यार ये काम तो चलता। तो पहले साल मैंने 4,35,000 रुपया बनाया। फिर 2 मई 2015 को हमारी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया, जब हम समीर मोदी जी से मिलने दिल्ली गए। तो जब मिले उनसे मैंने कहा यार ये तो सर बहुत ही डाउन टू अर्थ है बंदा, बिलियनेयर अरबों खरबों का इनका बिजनेस है तो इतने ही डाउन टू अर्थ है। तो वाइफ ने और मैंने डिसाइड किया वहां पर भी यार हम इस बिजनेस को पैशन के साथ करेंगे, कमिटमेंट के साथ करेंगे, कंसिस्टेंसी के साथ करेंगे, और धीरे धीरे इसको फुल टाइम करेंगे, इसको एज ए लाइफ का करियर बनाएंगे, इसको फ्यूचर इसमें बनाएंगे। दोस्तों आगे काम करना शुरू किया, वाइफ ने सॉफ्टवेयर का काम संभाल लिया, और करते करते मैं धीरे धीरे फुल टाइम आ गया। दोस्तों दूसरे साल जैसे मैं फुल टाइम आया, मैंने दूसरे साल एक स्कॉडा गाड़ी ली और 28,00,000 रुपया बनाया। और फिर दोस्तों मैं करते करते मार्च 2016 के अंदर पंजाब का और हिमाचल जे एंड के उत्तराखंड का फास्टेस्ट ग्लोबल ब्लैक डायमंड बन गया दोस्तों। और मेरा चेक था 4,07,000 रुपए का, लेकिन जैसे ही जिमनी बने भगवान को कुछ और मंजूर था। जो हमारे पहली कंपनी के सीनियर थे वो कहीं इधर उधर हो गए और किसी और कंपनी में चले गए, मेरी टीम भी ले गए, हमारा बिजनेस फिर नीचे आ गया। मैंने कहा यार आप क्या करें। मेरा 4,07,000 का चेक था, चेक आ गया मेरा 1.5 लाख के ऊपर, जीबीडी बना था मैं 50 लाख बीवी के ऊपर, और मेरा बीवी आ गया 15 लाख।
तो टेंशन से भी होनी शुरू होगी, लेकिन दोस्तों उस टाइम एक फरिश्ता हमारी जिंदगी में आया दोस्तों, राइट। कहा मैं जीपीटी था, मैं प्लेटिनम बन गया, तो उस फरिश्ते से एक ही बात समझ लगी, यूं ही नहीं मिलती कामयाबी मोदी केयर में, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा सुरेखा जी से कैसे बने दोबारा जीपीडी, बोले करनी पड़ती है प्रोस्पेक्टिंग बार बार, हर रोज प्लान दिखाना पड़ता है, हर रोज प्लान दिखाना पड़ता है। लो जी सुरेखा जी ने हमारा हाथ पकड़ लिया और दोस्तों थैंक गॉड, पता नहीं हमने किस जन्म में कोई अच्छे कर्म किए थे, सुरेखा मैम हमारी लाइफ के अंदर आए, उन्होंने हमारी उंगली पकड़ी, हमें फिर दोबारा उठाकर चलना सिखाया, फिर भागना सिखाया और फिर तेजी से भागना सिखाया। दोस्तों एक साल के अंदर अंदर हम दोबारा बाउंस बैक करके और मैं 36 लाख रुपए की फॉर्च्यूनर लेकर आया दोबारा जमीन से, मैं दोबारा ग्लोबल ब्लैक डायमंड रीक्वालिफाई किया दोस्तों, राइट। समीर जी ने बहुत हेल्प की हमारी और जितने भी ये वंस ईयर क्लब मेंबर्स हैं, स्मैक के जीपीडीज हैं, सबने बहुत सपोर्ट किया, मतलब हमें अपना छोटा भाई समझकर, अपना बच्चा समझकर हमें हाथ पकड़ा और हमें मोटिवेट किया दोस्तों। क्योंकि मैं एक बात समझ गया था जिंदगी के अंदर दोस्तों, व्हेनेवर यू गेट सेट बैक डू नॉट सिट बैक, स्टेप बैक एंड बाउंस बैक। तो हम दोबारा बाउंस बैक किए, हमने एक कार किराए के घर पे रहते थे दोस्तों, हमने फिर एक घर लिया और दो फ्लैट लिए चंडीगढ़ के अंदर, फिर एक वाइफ को गाड़ी लेकर दी दोस्तों मैंने, और वो टाइम निकलता गया और फिर टीम के अंदर सफलता आनी शुरू होगी, 60 से ज्यादा लोगों ने कारें ले ली, जीबीडी आने शुरू हो गए, आरबीडी आने शुरू हो गए, और फिर दोस्तों इस बिजनेस से मैंने हाईएस्ट चेक जो लिया 7,15,000 रुपए का लिया दोस्तों। और मेरे वाइफ का और मेरा दोनों का एक ड्रीम था एक बहुत ही प्यारा सा विला लेना है दोस्तों, अमृतसर में एक बहुत ही पॉश एरिया है होली सिटी, जहां पर बहुत सारे सेलिब्रिटीज रहते हैं लाइक नवजोत सिंह सिद्धू जी, कपिल शर्मा जी, और उनके बीच में हम आ गए मोदी केयर के सेलिब्रिटी ग्लोबल ब्लैक डायमंड मनीष चोपड़ा एंड पूजा चोपड़ा, ठीक है। तो दोस्तों बहुत ही मजा आ रहा है, सच में बताऊं ऐसे लगता है जैसे पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म किए थे दोस्तों, जो मोदी केयर के अंदर आ गए और फिर हमारी एक बहुत ही बढ़िया एक सपनों की कार थी दोस्तों, अभी शिवरात्रि वाले दिन वो लेकर आए और वो बहुत प्यारी कार थी दोस्तों, उसका नाम है जैगुआर, ठीक है, एक्सी टॉप मॉडल ही। और मैम ने मुझे बोला था भी जैगुआर और घर जरूर दिखाना, तो निशांत मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज स्क्रीन शेयर कर दो मेरी, मुझे को होस्ट बना दो आप। तो दोस्तों कुछ दिखाता हूँ आपको मैं, हमारी कार और हमारा सपनों का घर, निशांत जी मुझे को होस्ट बना दो। यस, सो आइए दोस्तों सबसे पहले आपको अपनी सपनों की गाड़ी दिखाते हैं, जस्ट मिनट प्लीज। ये भाई किसी ने ये क्रॉस लगा दिए, एक मिनट प्लीज, क्लियर कर दिया वो, नॉट टू वरी, आगे चलो। मुनीश सर, हाँ जी सर, सर मैं आप अपनी स्क्रीन शेयरिंग जरा ऑफ करिए, मैं आपको होस्ट बता देता हूँ, डिसेबल कर दीजिएगा। आपकी आवाज नहीं आ रही निशान जी, ओके 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 ओके, ठीक है। सो दोस्तों हमने इस बिजनेस से जैगुआर ली, देन ओके ओके ओके, सो मैम ने मुझे होस्ट बना दिया, थैंक यू मैम। दिल थाम के बैठे हैं तुम्हारी सक्सेस देखने के लिए। ओके मैम, थैंक यू। स्क्रीन पे आई नहीं है अभी वीडियो तुम्हारी, अब आ गई। यस यस यस, ये दोस्तों हमारी सपनों की कार। Woo!
मनीष एनोटेशन ऑफ कर दो जिससे लोग लिख नहीं सके। मनीष एनोटेशन ऑफ करो। ये कहां से ऑफ होती है? मोड सर, मोड में जाना, मोड में उसके डिजिटल पार्ट पे एनोटेशन। निशा जी कहां पर है? सर मोड मोड पे जाके ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष चोपड़ा, बाय प्रोफेशन सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट। मैं पहले जॉब करता था इंफोसिस कंपनी में और भी काफी मल्टीनेशनल कंपनी में। तो दोस्तों ये था, ये थे हमारी जैगुआर और हमारा घर भी बहुत प्यारा है। सो एक बार थोड़ा सा वो भी आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये दोस्तों हमारा ड्राइंग रूम है। ये देखिए मैजिक कॉर्नर, मोदी का मैजिक कॉर्नर। ये हमारा बेडरूम है और ये देखिए हमारा ड्रीम बोर्ड बना हुआ है। ये हमारा किचन है। So, दोस्तों ये था हमारा सपनों का घर और अभी तो और भी बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स हैं। अभी तो एक 2000 गज का घर बनाना है हमने और एक फार्म हाउस बनाना है। और मैंने अपने बेटे से प्रॉमिस किया है जिस दिन वो प्लान दिखाने जाएगा येलो कलर की लंबोर्गिनी पे जाएगा दोस्तों, ठीक है। और बहुत अभी बहुत बढ़िया टाइम आने वाला दोस्तों। करना क्या है, छोटे छोटे काम दोस्तों हमने करने होते हैं जो हमने किए। सबसे पहले सेल्फ यूज प्रोडक्ट्स हमने यूज किए, वही आप लोगों ने करने हैं और लॉयल्टी के साथ करने हैं। अब एक होती है मिनिमम मेंटालिटी, एक होती है मैक्सिमम मेंटालिटी। मिनिमम मेंटालिटी मतलब 2500 वाली या 1500 लॉयल्टी करनी, मैक्सिमम मतलब 5000 से कम तो सोचना ही नहीं है, 100 पीवी तो करना ही करना है। दूसरा आपने क्या करना है, हमने अपने कस्टमर बनाने होते हैं दोस्तों। कस्टमर क्यों बनाने होते हैं, कई बार 5000 की लॉयल्टी अपने आईडी पे नहीं की जा सकती। तो अगर हमारे 15-20 कस्टमर होंगे तो वो हर महीने वो आई चलाई लगी रहती, कोई कुछ ले जाएगा, कोई कुछ ले जाएगा, कोई कुछ ले जाएगा। फिर उसके बाद होता हमने एक मैजिक कॉर्नर बनाना था, जो मैंने आपको मैजिक कॉर्नर पे घर पे दिखाया। जब हमने घर की पूजा की थी, पाठ किया था, तो सबसे पहले मैजिक कॉर्नर दोस्तों बनाया था हमने। तो आप लोगों ने भी मैजिक कॉर्नर बनाना है और एक डेमो किट बनानी होती है, क्योंकि बोलते हैं ना जिसकी होगी डेमो किट उसी का होगा बेनिफिट। ए प्रेजेंटेशन विदाउट डेमोस्ट्रेशन इज नॉट ए प्रेजेंटेशन दोस्तों। फिर हमने हर रोज डेमो करने हैं। अब डेमो कैसे करने, घर घर जाके तो कर नहीं सकते, अब तो जूम पे करने हैं, डिजिटली करने हैं। फिर हर रोज हमने दोस्तों 1-to-1 मीटिंग करनी है, प्रोस्पेक्टिंग करनी है, मैसिव प्रोस्पेक्टिंग करनी है। पहले जो अभी ऑफलाइन लिस्ट है उसको नबेड़ लो, बाद में जो ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग करनी शुरू कर दो जैसे सुरेखा जी सिखाते हैं। फिर हमने जो भी आपकी अपलाइन की इवेंट्स होती है वो हमने हर रोज अटेंड करनी होती है। वीकली जो सेमिनार होते हैं वो अटेंड करने होते हैं। सुरेखा जी का जो सुरेखा भरगवा यूट्यूब चैनल है, एवरी ट्यूसडे
एवरी थर्सडे एवरी सैटरडे 11:30 बजे वहां पर लाइव आते हैं, मैम सिखाते हैं पूरे हिंदुस्तान को, वो हमने जरूर अटेंड करना है, वो ऑक्सीजन है दोस्तों। मैं आपको एक बात बताऊं, लॉकडाउन के अंदर अगर मोदी के अंदर मोमेंटम बन पाया है सो क्रेडिट गोज़ टू रेखा मैम और स्पेशली निशांत भरद्वाज जी। निशांत जी बैठे साइड में लेकिन क्रेडिट बहुत ज्यादा निशांत जी को, ये जो भी टेक्निकल इंप्लीमेंटेशन हो रही है ना टेक्नोलॉजी उसमें निशांत जी का बहुत बड़ा योगदान है, हमारे भी निशांत जी बहुत हेल्प करते रहते हैं। ठीक है तो दोस्तों ये हमने काम करा, फिर अकाउंटेबल रहना है। अगर 11:30 का टाइम होता तो 11:30 बजे यूट्यूब चैनल पे आना है, अगर 5:30 बजे जूम की मीटिंग का टाइम होता तो 5:30 बजे शार्प हमने दोस्तों आना होता है। हमने फिर काउंसलिंग करनी होती है अपलाइन के साथ। अब काउंसलिंग कैसे करेंगे भैया? अब काउंसलिंग करेंगे जूम के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू करेंगे, और कोई तरीका नहीं है। राइट, ये हमने काम करने होते हैं दोस्तों, और आपने अपना स्ट्रक्चर सही करना होता है। कई लोग गलती क्या करते हैं, 1 लाख डाल लेते 2 लाख डाल लेते, इससे कुछ नहीं होता भैया, 6 लाख मिनिमम डालने होते हैं हमने अगर 1 लाख रुपए से ज्यादा के पैसा बनाने हैं आपने। ठीक है, फिर हमने डुप्लीकेशन करनी होती है। आपने क्या करना होता है दोस्तों, लोगों को काम करना हमने सिखाना होता है, सही तरीके से सिखाना होता है, इसलिए ट्रेनर प्रोग्राम करना बहुत जरूरी है। हमने लोगों को जैसे स्कूल में नहीं सिखाते एप्पल बी फॉर बैट सी फॉर कैट, ऐसे हमने परिवर्तन का रट्टा लगाना दोस्तों। स्क्रीन शेयर करनी सिखाओ लोगों को कैसे करके, परिवर्तन की पीडीएफ पढ़ते कैसे वो सिखाओ, डेमो करने सिखाओ, एक उंगली पकड़ पकड़ के सिखाओ दोस्तों लोगों को काम करना कैसे सिखाना है। और डिजिटली आ जाओ दोस्तों, सबसे बड़ी बात है डिजिटली ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। अगर आप फिजिकली अभी भी लगे रहोगे ना दोस्तों, डिजिटली नहीं काम करोगे आप बहुत पीछे रह जाओगे। एक छोटी सी 10 मिनट की एक पीपीटी है, मैं आपको वो दिखाना चाहता हूं, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। आप हैरान रह जाओगे दोस्तों जो दुनिया में होने वाला है। सो निशा जी स्क्रीन शेयर करना, ये देखिए दोस्तों मैं आपको कुछ दिखाने जा रहा हूं कि अभी क्या क्या होने वाला है हिंदुस्तान के अंदर। सर हमें तो इतना जरूर दीजिएगा दोस्तों, ये दोस्तों देखो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रही है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर। तो क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं दुनिया के अंदर वो देखते हैं। पहले दोस्तों क्या आता था, जो इन्वेंशन होती थी ना बहुत टाइम लग जाता था उनको, एक बल्ब बनाना 10 साल बल्ब बनाने में लग गए, 10 साल उसको कमर्शलाइज करने में लग गए, लेकिन आज दोस्तों टेक्नोलॉजी करके बहुत फास्ट होता जा रहा काम। इकोनॉमिक चेंजेस दोस्तों इतनी स्पीड बढ़ गई है, बिजनेस को चैलेंज आने शुरू हो गए हैं। इवन के आईफोन की बात करें, हर साल नया आईफोन आ जाता है, प्रोसेसर की स्पीड डबल हो जाती है, एवरीथिंग इज फॉर शॉर्ट टाइम। जो इवन के जो एम्प्लॉयज भी नौकरियां कर रहे हैं उनको बहुत ही अप टू डेट रहना पड़ता है दोस्तों, बहुत ही फास्ट फास्ट चेंजेस आ रहे हैं। सोशल फैब्रिक है एवोपोरेटेड, अब फीलिंग नहीं रही दोस्तों, जो पहले आपस में प्यार होता था, एम्पैथी होता था, अफेक्शन होता था एक दूसरे के साथ, जो टच एंड फील वाली बात कम हो गया दोस्तों। अब व्हाट इज नेक्स्ट, अब आगे क्या होने वाला दोस्तों, ये देखो अब आ चुका है रोबोटिक्स आ चुका है, ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर हम अभी भी बोलेंगे कि हम नहीं चेंज करेंगे, हम लोगों के घर जा जाके डेमो करेंगे, घर जा जाके प्लान करेंगे, और वो भी कोरोना के अंदर, दिस इज वेरी डेंजरस। तो डिजिटल तो आना पड़ेगा, बदलाव करना पड़ेगा। अगर आप जिंदगी में बदलाव चाहते हो तो काम करने के तरीके में बदलाव करना पड़ेगा दोस्तों। ये देखो रोबोट्स बच्चों का, लोगों का एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, ये बैंड बाजे वाले भी, ये म्यूजिक कौन कंपोज कर रहा है, रोबोट्स कर रहे हैं। ये देखो सिक्स पैक रोबोट क्या कर रहे हैं, प्लेयर एज ए प्लेयर खेल रहे टेबल टेनिस। होटल की रिसेप्शनिस्ट कौन है, रोबोट है। दूर छोड़ो, हमारा कस्टमर केयर अब रोशनी है, रोशनी मैडम को कई बार कई लोग सच्ची मुच्ची की रोशनी समझते हैं, वो सच्ची मुच्ची की रोशनी नहीं है, वो मशीन है, एक सॉफ्टवेयर है दोस्तों। ये देखो होटल के अंदर वेलकम कौन कर रहे हैं, रोबोट्स कर रहे हैं। वेटर का काम कौन कर रहे हैं, रोबोट्स। कैफे में कॉफी कौन लेके आ रहा है, रोबोट्स। ये देखो आप किसी होटल में चले जाओ, सारे का सारा आप कंट्रोल टैबलेट से दोस्तों कर सकते हो, कोई भी लाइट ऑन ऑफ करनी है टैबलेट से ऐप से कर सकते हो दोस्तों। अभी थोड़े दिन पहले मेरे बेटे का जो टीवी का रिमोट टूट गया, उसने क्या किया, मोबाइल में एक एयरटेल की ऐप डाउनलोड की और मोबाइल को रिमोट कंट्रोल बना लिया दोस्तों। दिस इज द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ये दोस्तों चेंजेस आने वाले हैं। और अगर आप बोलोगे नहीं नहीं हम बदलाव नहीं करेंगे तो दोस्तों बहुत पीछे रह जाओगे। कुछ लोग दोस्तों
समय से पहले बदलाव करती है वो आगे निकल जाते हैं, वो लीड करते हैं दुनिया को। कुछ लोग समय के साथ बदलाव करते हैं, वो सिर्फ सरवाइव करते हैं। कुछ लोग समय निकल जाने के बाद बदलाव करते हैं, वो पीछे रह जाते हैं। लेकिन कुछ ढीठ लोग ऐसे भी होते हैं, समय निकल जाने के बाद भी बदलाव नहीं करते, उनका नामो निशान मिट जाता। दोस्तों ये देखो, बड़े बड़े मॉल्स के अंदर स्कैनिंग कौन कर रहा है? रोबोट्स कर रहे हैं। ये देखो पैकेजिंग कौन कर रहा है? कोरोना के अंदर चाइना के अंदर अभी भी रोबोट्स हैं जो पैकेजिंग कर रहे हैं सामान। दोस्तों ये देखो बच्चों के साथ गेम कौन खेल रहे हैं? रोबोट्स। पहले बड़ों की सेवा कौन करते थे? बच्चे करते थे। अब जमाना बदल रहा है, न्यूक्लियर फैमिलीज आ रही है, बच्चे दूर कर रहे हैं। आपको जो हरानी होगी आने वाले टाइम के अंदर रोबोट्स आ जाएंगे जो बुजुर्गों की सेवा किया जाएंगे। जो भी पर्ची पुर्ची काटने का सिस्टम है, ये देखो डिलीवरी कौन करेगा? रोबोट्स करेंगे आने वाले टाइम में। ये देखो ड्रोन कैमरा डिलीवरी किया करेगा, सोशल डिस्टेंसिंग हुआ क्या करेगा? ब्रोटा वेयर हाउस है ना दिल्ली, वहां से बड़ा करेंगे। ग्रेटर नोएडा सुरेखा मैडम के घर पे सामान पहुंचाना है, वहां से यहां बटन दबेगा और सीधा ड्रोन कैमरा सुरेखा मैडम के घर पे आके सामान पहुंचा दे करेगा। दोस्तों ये देखो ऐसे आने वाले टाइम में ड्रोन कैमरा घुमा करेंगे। दोस्तों पिज्जा भी ड्रोन कैमरा से आने वाला है, ये टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। दोस्तों ये देखो स्विगी जोमेटो, ये देखो ऐसे मोदी करके ड्रोन कैमरा पूरे आसमान में घुमा करेंगे, ऊपर लिखा हुआ करेगा मोदी कर, और कोई कहीं डिलीवरी देने जा रहा, कोई कहीं डिलीवरी देने जा रहा, कोरोना के अंदर डिलीवरी होगी। दोस्तों ये फ्यूचर दिखा रहा है जो आने वाले टाइम का फ्यूचर है। अगर आप लोग बोल रहे हो हम अभी भी नहीं बदलेंगे, अभी भी डिजिटली नहीं जाएंगे, अभी भी फिजिकली काम करेंगे, जब कोरोना खत्म हो जाएगा तब काम करेंगे, बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हो। ड्राइवरलेस कारें आ चुकी हैं दोस्तों, ड्राइवर की जरूरत नहीं है। ये देखो रेफ्रिजरेटर आ चुका, हाईटेक रेफ्रिजरेटर, इसके अंदर चिप लगेगी। और मान लो आपने 10 अंडे लेकर आए थे, 8 अंडे खा लिए, 2 अंडे रह गए, और एक मैसेज आएगा सीधा मॉल के अंदर, और अगले दिन जब डिलीवरी आएगी तो आप बोलोगे मैंने तो ऑर्डर नहीं दिया, तो वो बोलेगा भाई साहब आपने नहीं ऑर्डर दिया था, आपके फ्रिज ने ऑर्डर दिया था। ये इंटेलिजेंस दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये होने वाली है। इतना कुछ हो रहा है दुनिया में दोस्तों, और अगर हम बोले नहीं जी हम जूम पे अगर प्लान नहीं कर सकते, जूम पे आगे मीटिंग नहीं कर सकते, तो दोस्तों बहुत पीछे रह जाएंगे। इवन के आज कई डेट के अंदर ऐसे टच स्क्रीन आ चुके रेफ्रिजरेटर वाले। मान लो आपने शाही पनीर बनाना है और रेफ्रिजरेटर के अंदर अदरक नहीं है ना, तो बाहर रेसिपी नजर आ जाएगी आपको शाही पनीर की, लेकिन उसमें अदरक नहीं होगा। अदरक क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपके फ्रिज के अंदर अदरक है ही नहीं। ये होने वाला दोस्तों, पहले लोग उड़ते थे, ये देखो अक्षय कुमार लर्निंग टू फ्लाई है जेट सूट, लोगों ने उड़ना शुरू कर दिया। ये देखो ये हो रहा दुनिया के अंदर, हमें पता नहीं है दोस्तों। ये सोचकर हम बच नहीं सकते, डिजिटली तो बदलाव करना पड़ेगा। ये देखो जो ऑटोमेशन हो रही है ना, 60% तक जॉब चली जाएंगे आने वाले टाइम में। फूड प्रिपरेशन, कंस्ट्रक्शन, क्लीनिंग लाइन के अंदर जॉब चली जाएंगी। अब है क्या दोस्तों, इट्स अ डेडली कॉम्बिनेशन जो भी चल रहा है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रही है, साथ में आ गया कोरोना। अब तो मजबूरी बन गई लोगों की डिजिटली जाना। तो मेरी रिक्वेस्ट है दोस्तों, जल्दी जल्दी जैसे सुरेखा मैम सिखा रहे हैं ना, जूम पे आओ, डिजिटली आओ, डिजिटली आओ, तो काम करना शुरू कर दो। मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर हम लोगों ने डिजिटली काम करना शुरू कर दिया तो आने वाला फ्यूचर क्या है, अगली स्क्रीन पे आपको दिखाता हूं। होगा क्या आने वाले 2-3 साल के अंदर दोस्तों, जब हम हैंडशेक कर लेंगे टेक्नोलॉजी के साथ, एक तरफ हाई टच है, दूसरी तरफ हाई टेक है रोबोटिक्स, तो होगा क्या, पहले हफ्ते की प्लानिंग जो हुआ करेगी ना, निशान जी बोला करेंगे मम्मा मम्मा मैंने पेरिस जाना है, तो निशान जी पेरिस में जाके पूरे ग्रुप की प्लानिंग किया करेंगे जूम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर। और अब निशान ने बोला मम्मा मैंने वापस नहीं आना, मैं स्विट्जरलैंड जा रहा हूँ अपनी वाइफ के साथ, वहीं पर बिजनेस की क्लोजिंग करूंगा। तो दोस्तों ये देखो ऐसे क्लोजिंग हुआ करेगी, लास्ट वीक बिजनेस क्लोजिंग। ब्रेकफास्ट किया करेंगे इटली के अंदर, लंच किया करेंगे फ्रांस के अंदर, और डिनर जाके लंदन में हुआ करेगा। दोस्तों ये आने वाला टाइम है, लेकिन हम लोगों ने लीडरों ने क्या कसम खानी है, मैसिव प्रोस्पेक्टिंग करेंगे सोशल मीडिया के ऊपर, ऑफलाइन हर रोज प्लान करेंगे, होम मीटिंग करेंगे जूम के ऊपर, हर रोज में ऑनलाइन फॉलोअप करेंगे, स्पॉन्सरिंग करेंगे, करेंगे ऑनलाइन बिलिंग करेंगे, नए नए कस्टमर बनाएंगे, और ऑफलाइन के इवेंट देखेंगे दोस्तों, ट्रेंडर टेंडर प्रोग्राम करेंगे, और 100 पीवी और मैसिव स्पॉन्सरिंग करेंगे। दोस्तों अब इस महीने की कसम यही खानी है दोस्तों, इस महीने को पिछले महीने से बड़ा बनाना है,
और अगले 90 दिनों के अंदर हमने दोस्तों हाईएस्ट बीवी करना है, हाईएस्ट पे आउट लेके आने अगले 90 दिनों के अंदर। मैंने इस रेखा में हमसे प्रॉमिस किया है मेरा अगले 90 दिनों के अंदर हाईएस्ट बीवी हो जाएगा, हाईएस्ट पे आउट आ जाएगा। अब आपकी प्लेज क्या है ये आपने दोस्तों रेखा मैम को बताना है। इसी के साथ ये स्क्रीन में शेयर खत्म करता हूं और वंस अगेन लास्ट पे एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा और सुरेखा मैम का थैंक्स करना चाहूंगा। दोस्तों होता क्या है, दूध होता ना दूध, जब दूध का मंथन करते ना दूध को उबालते हैं तो वो चल पड़ता है एक दो दिन, लेकिन थोड़ा सा उसमें चैलेंज डाल देना वो अपने आप को बदल लेता दोस्तों, वो क्या बन जाता दही। अगर दही का मंथन कर देना, दही तो सिर्फ चलता है 3-4 दिन, लेकिन अगर उसका मंथन कर दे तो दोस्तों रिड़क देना वो बन जाता है मक्खन। अगर मक्खन का मंथन कर दे, थोड़ा और चैलेंज दे, थोड़ा और उसको उबाले तो वो बन जाता है घी। दूध चलता है एक दिन बाद खराब हो जाता है, दही चलता है 2 दिन बाद में खराब हो जाता है दोस्तों, लेकिन जब उसका मंथन करते हैं बन जाता है मक्खन जो 3-4 दिन चलता है। लेकिन जब मक्खन को उबालते हैं ना और चैलेंज देते हैं और प्रेशर डालते हैं दोस्तों तो बन जाता है देसी घी जो कभी खराब नहीं होता दोस्तों। सेम दोस्तों अगर आपका भी मंथन हो रहा है ना, बार बार चैलेंज आ रहे हैं, बार बार मंथन हो रहे हैं, तो याद रखना इसी मंथन के अंदर आप एक ऐसे लीडर बन जाओगे दोस्तों जो कि हमेशा जिंदगी और ग्लोबल ब्लैक डायमंड बनके सुरेखा मैम के ताज के अंदर एक और हीरा चढ़ जाएगा दोस्तों। विद दिस थैंक यू वेरी मच, सो ओवर टू सुरेखा जी और निशान जी। थैंक यू, अमेजिंग अमेजिंग। देखो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, इसीलिए तो तुमको कहते हैं जो तुम एंथुसियाज्म का जो पावर हाउस हो, जो एनर्जी का तुम दोनों पावर हाउस हो, वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि बोल के तुमने 1 घंटे 40-45 मिनट्स में सारी कहते हैं ना आत्मा हिला दी। अगर मुर्दा भी नहीं उठे ना तो आश्चर्य की बात होगी। तुम्हें सुनकर के हर व्यक्ति जाग गया होगा, सब तरफ आग ही आग भर गई होगी, जोश सब में आ गया होगा, होश की और जोश की दोनों इतनी अच्छी अच्छी बातें तुम लोगों ने सिखा दी। पर मैं सब लोगों को तुम्हारे बारे में एक बात बताना चाहती हूँ, तुम्हारी सक्सेस का एक बहुत बड़ा सीक्रेट है और वो ये है कि तुम बाहर से बहुत खुश रहते हो, सबके साथ बहुत खुश रहते हो, पर दूसरा सीक्रेट ये है कि अंदर से अपने आप से कभी खुश नहीं होते हो। हमेशा तुम लोगों को और आगे बढ़ना और आगे बढ़ना और आगे बढ़ना, मतलब मैंने बहुत तुम्हारे से ऐसी बहुत बार मैं ऐसे मिली हूँ, मैम मेरा ना 3 लाख का चेक आ रहा है, मैं बहुत उदास हूँ। फिर मैम मेरा ना 4 लाख का चेक आने लगा है पर मैं बहुत उदास हूँ। मैम मेरा 5 लाख का चेक आने लगा है पर मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। और ये ही तुम्हारी ताकत है। तुम जिस दिन 1 करोड़ भी कमाओगे ना, उस दिन भी तुम्हें पता होगा कि अब तुम 10 करोड़ कमा सकते हो। और जिसने इस ताकत को समझ लिया, जिसने इस ताकत को पे विश्वास करके मेहनत कर ली, वो व्यक्ति जीत जाता है। और जो भी तुमने पाया, तुम्हारा घर, तुम्हारी गाड़ी, सब तुम वेल डिजर्व करते हो। आज सिद्धू पाजी कह दो या कपिल शर्मा कह दो, वो तो कुछ सालों के लिए सेलिब्रिटी है, तुम तो जिंदगी भर के लिए सेलिब्रिटी हो। वो तो कुछ सेलिब्रिटीज का 2-4 घंटे का इंटरव्यू लेकर के सफल होते हैं, तुम तो लोगों की जिंदगी जो है वो बदल करके सेलिब्रिटी बने हो। और यही मेरा बस आशीर्वाद, यही मेरे आशीष, यही मेरी बेस्ट विशेष तुम लोगों के लिए है कि तुम खूब तरक्की करोगे, खूब आगे जाओगे, लाखों जिंदगियां बदलोगे। और सबसे ज्यादा खुश मैं तुम्हारे बच्चों के लिए हूँ। मुझे पता है तुम कुछ, मैं चाहूंगी तुम कुछ बात करो उनके बारे में। ओवर टू पूजा। यस पूजा। दोनों बच्चे मैम बहुत ड्रीमर हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आके मतलब हमें भी हिला देते हैं। मतलब ऐसा है कि कई बार उनके लिए काम करना पड़ रहा है क्योंकि वो चीजें हम सुनते हैं घर में, वो हमें काम करते देते हैं और उनकी एक्सपेक्टेशन हमसे बहुत हाई है। अगर मैं कुछ बेटी को बोल भी दूं बेटा ऐसे नहीं, तो कहती मेरे पापा कर लेंगे, मेरे पापा कर लेंगे। मतलब उसे पता कि पापा उस डायरेक्शन में है, वो काम कर रहे हैं, उनको हर चीज जिस पे वो हाथ रखेंगे, जो चीज वो सोच लेंगे वो मिल जाएगी। और मैं तो यही कहूंगी कि हर एक, मेरे बेटे ने एक शेर लिखा, मैं सुनाती हूँ। छोटा मेरा बेटा 10 ईयर्स का और उसने लिखा, दूसरों का क्या है पाप जिनका नहीं है मुनीश चोपड़ा जैसा बाप। लाइक वो अपने पापा पे इतना प्राउड फील करते हैं, वो इतना प्राउड, उन्हें पता है कि पापा दिन रात काम कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया होने वाला है। और जो कहते हैं ना विजुलाइज करो, जो बोलो, बच्चे बड़ा बड़ा बोल रहे हैं कि हमें ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा और ये हो ही जाना है। कहते ना जो मुंह से जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे जो खोजे सो पाए, जो बोलोगे वही हो जाएगा और ये होने ही वाला है। और मैम एक बात बताऊं,
जो अनहद पता अब क्या करता रोज, ये डायरी ले जाता मेरे आगे, वो ऐसे खोलेगा, बोलता पापा ये इसमें ये आपके फोटो नहीं नजर आ रही, क्या बात है? उठाना पर मैंने कहा यार इसमें जो वन सीयर क्लब मेंबर उनकी फोटो आती है, अच्छा तो आप कब आ रहे हो इसके अंदर? तो बोलता प्रॉमिस करो मुझे, टाइम बताओ मुझे, डेट बताओ कब आओगे। तो वो ना मेरे ड्रीम मेरे जिगाता रहता भी जल्दी जल्दी आओ। तो मैंने फिर उसे प्रॉमिस किया, मैं यार पक्का मैं आऊंगा, और सुरेखा मैम से ना जिसमें मेरी मैडम को बोलूंगा मेरी फोटो प्रिंट कराए स्पेशल, और तुझे स्टेज पे गिफ्ट करें वो डायरी जिसमें तेरे पापा की फोटो होगी, क्योंकि मेरा ड्रीम बन गया मैम। यस यस, ये डायरी का और कोई पर्पस था भी नहीं, इस डायरी का सिर्फ पर्पस ये था कि वंशीआर आजादी क्लब के लोगों की इसमें फोटो छाप दे, तो जितने भी लोग जो वंशीआर आजादी क्लब में नहीं है वो सब इसमें आने का फैसला कर लें। और स्पेशली तुमको तो शोभा नहीं देता उससे नीचे होना। आ जाएंगे मैम, जल्दी आ जाएंगे, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा जी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 10 लाख रुपया महीना तुम लोगों के लिए बच्चों का खेल है, काफी करीब आ गए हो, अगली डायरी छपेगी नहीं जब तक तुम लोग उसमें आ नहीं जाओगे, याद रखना। थैंक यू सो मच, आपने बोल दिया अब हो जाना है, अब मैम हो जाना पक्का। थैंक यू सो मच, पक्का हो जाएगा, तुम्हारे डेडिकेशन के कारण हो जाएगा, तुम्हारे ड्रीम्स के कारण हो जाएगा, और मुझे बड़ी खुशी है। तुमको मालूम है अनंत तुम्हारे ही सपने नहीं जगाता, अनंत मेरे भी सपने जगाता है। मुझसे पूछता है आपको कौन सी कार लेनी है, मैंने सोच के बोला बस इतनी सी, आप इतनी वाली कार लोगे, मतलब ये तो बहुत सस्ती है ना आपके लिए। वो मेरे को ऐसे कोचे करता है कि बस मैडम बस आंटी बस यही आंटी, और कुछ नहीं, और क्या चाहिए आपको, कौन सा हेलीकॉप्टर। वो मुझसे हेलीकॉप्टर की ब्रांड पूछता है, मुझे पता ही नहीं है ब्रांड पूछता है, मतलब वो लड़का इतना बड़ा सोचता है। और ये घर परिवार में मोदी केयर चलता है, उसी की सोच उसी की देन है, जब हमारे घर में मोदी केयर चलता है तो बच्चे बड़ा सोचते हैं। बहुत बढ़िया मुनीश एंड पूजा। निशान तुमसे कुछ कहना चाह रहा है। हाँ जी निशान जी। थैंक यू मुनीश सर, थैंक यू पूजा मैम सो मच, अमेजिंग सेशन रहा। आप खुश तो हमेशा रहते हो इसलिए लविंग भी बहुत रहते हो, बट आपकी जो स्टोरी है इतनी लविंग है, इतनी प्यारी है। मैंने भी कॉर्पोरेट में काम करा है और मैं भी वो फीलिंग समझता हूँ कि जो है उससे ज्यादा करने की फीलिंग मैं भी समझता हूँ, तभी मैं फटाफट कॉर्पोरेट से भाग के मैंने बिजनेस ज्वाइन कर लिया फटाफट से। फ्रेंड्स, आपने देखा कि ये बहुत सिंपल स्टोरी है कि एक व्यक्ति है, एक फैमिली है जो लाइफ जी रहे हैं, थोड़ा है, ऐसा नहीं है कि जिंदगी ने उनको नहीं दिया, उनमें की काबिलियत नहीं थी या किस्मत बहुत खराब थी, उन्होंने जिंदगी की जो नॉर्मल सीढ़ी हर कोई चढ़ता है वो सीढ़ी चढ़ी, बट वो सीढ़ियां काफी नहीं थी, उनको चाहिए था कि भाई एस्केलेटर आए, लिफ्ट आए, जेट से हम ऊंचाई चढ़े, और उसके लिए उन्होंने जी जान लगा दी, मेहनत कर ली, वो मेहनत करने की उससे ज्यादा हिम्मत कर ली, और वही स्टोरी की वजह से आज मैं आपको जो जितना जानता हूँ, आपकी स्टोरी जितना जानता हूँ, मेरे को वो इसलिए मोटिवेट करती है कि हिम्मत, लगन, ये सब जो सिंपल चीजें हैं जिसको हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, हम नहीं समझते इनकी अहमियत क्या है, वो उन चीजों को अपनाकर आपने सक्सेस पाई है, और ये दिखाता है कि हर कोई जो इन चीजों को अपना सके, सपना रखे और हिम्मत करे उसको पाने के लिए एक्शन करने की, तो वो भी शायद से सफल हो सकता है। थैंक यू सो मच मुनीर सर, थैंक यू पूजा मैम, सिर्फ आज के सेशन के लिए नहीं, आपकी मेहनत के लिए, डेडिकेशन के लिए, और जो बड़े सपने हैं, और जो आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को भी वो बड़े सपने इतना सिखा रहे हो। कहते हैं आर लीडर्स बॉर्न और आर लीडर्स क्रिएटेड, मेरा ये मानना है कि लीडर्स आर ऑलवेज क्रिएटेड, डिपेंड करता है कि कौन बना रहा है, और जो नेक्स्ट जनरेशन है ना मोदी केयर की, मैं हूँ, आपके चिल्ड्रेन है, उनको घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं, लीडर क्रिएट करवाने की अपने आप को, हमारे पेरेंट्स हैं जो हमारे को क्रिएट करा सकते हैं, हम बहुत लकी है जिनके पेरेंट्स नेटवर्क मार्केटिंग में है, मोदी केयर में है, और जैसे आपकी सक्सेस है, आई एम श्योर फ्रेंड्स आप लोगों को मोटिवेट करा होगा इन्होंने, आप भी ऐसी सक्सेस पा सकते हैं। थैंक यू मुनीश सर, थैंक यू पूजा मैम, वंस अगेन ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन। थैंक यू, थैंक यू, अमेजिंग, थैंक यू सो वेरी मच पूजा एंड मुनीश। अब ना मेरे YouTube चैनल पर तुम्हारा इंटरव्यू लेने का ड्रीम है। थैंक यू मैम, थैंक यू। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगी, मुनीश जी का बहुत अच्छा YouTube चैनल है, जो हमने आपको इनवाइट भेजा है उसमें उसका लिंक भेजा है, और मेरे YouTube चैनल से बहुत पहले मुनीश चोपड़ा जी ने अपना YouTube चैनल बनाया, छोटी छोटी बहुत सारी काम की चीजें उसमें सिखाई हैं, छोटी छोटी बहुत सारी काम की स्टोरीज उसमें है, और मोदी केयर का कोई भी ऑफर आता है, मोदी केयर की कोई भी चीज, आपको कोई भी आंसर चाहिए हो, वो आपको मुनीश चोपड़ा जी के YouTube चैनल पर मिल सकता है। तो आपको पूरी तरीके से ऑल अक्रॉस इंडिया
सपोर्ट करने के लिए मुनीश जी डेडिकेटेड हैं, और ऐसे लीडर जब आपके साथ हैं तो आपकी सफलता तो अवश्य भावी है, जीत जाइए। और मुनीश जी से, वैसे भी मुनीश जी सेल्फलेसली आपको जब भी मुनीश जी से हेल्प चाहिए, मुनीश जी हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहते हैं, और मुनीश जी को धक्का लगाती है पूजा जी, और दोनों लीडर आप सबके लिए, हम सबके लिए, सारे हिंदुस्तान के लिए अवेलेबल है। तो तुम लोगों के प्यार के लिए, तुम्हारी सेल्फलेस अप्रोच के लिए थैंक यू सो वेरी मच, और तुम्हारे वन सीआर आजादी क्लब के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू, we are proud of you, thank you, all the best friends, फिर मिलते हैं ट्यूजडे को।